चलिए भाई स्टार्ट है। स्टार्ट हो गया कि नहीं? हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज से आपके लिए एक क्लास स्टार्ट की गई है जिस क्लास का नाम है EBS। EBS पेडागोगी को आज से आपके लिए स्टार्ट किया गया है। तो पहले क्वेश्चन के साथ आज हम कराएंगे, फर्स्ट वीडियो है जो कि पर्यावरणीय शिक्षण शास्त्र को हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज रहता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आधार मानकर पढ़ाते हैं हम। इससे क्या होता है, ऑथेंटिक चीजें आपको मिलती हैं और एग्जामिनेशन में पूछा क्या जा रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए तो ईबीएस को आप ठान लीजिए कि अब तो एग्जामिनेशन में 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। कुल मिलाकर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ईवीएस के पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके 30 में से 15 क्वेश्चंस आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन बनते हैं, और 15 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके पर्यावरणीय शिक्षण शास्त्र से बनते हैं। तो हम शिक्षण शास्त्र वाली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब शिक्षण शास्त्र को आज से स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है मेरे भाई, रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह है संकेंद्रित थी। क्लियर है? रमा अवधान अवधान की बात कर रहे हैं, अवधान और स्मरण शक्ति और समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। किसकी बात कर रही थी? योजना बनाने की बात कर रही थी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रही थी, स्मरण शक्ति की बात कर रही, अवधान की बात कर रही थी। तो यह संकेंद्रित थी। रमा वाज रेफरिंग अटेंशन मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग, सी वॉज फोकसिंग ऑन। तो किस बात पर फोकसिंग कर रही थी? तो कहीं ना कहीं समय समूह दबाव पर फोकस कर रही थी ना जी ना, सामाजिक कौशलों पर नहीं, सहयोगी कौशलों पर नहीं, वो संज्ञान पर कहीं ना कहीं संकेंद्रित थी। किस पर संकेंद्रित थी? संज्ञान पर केंद्रित थी, क्योंकि स्मरण शक्ति की बात करें तो स्मरण का संबंध कहीं ना कहीं संज्ञान से ही होता है। ठीक, अवधान की बात करें मेरे भाई, अटेंशन की बात करें तो वो भी आपका संज्ञान से रिलेटेड है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी किससे संबंधित होगी? संज्ञान से संबंधित होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरे भाई, ईबीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य, शिक्षक करना क्या चाहता है आखिरकार? उसने पेड़, जो पेड़ था उस पर पेड़ से गिरे हुए जो वृक्षों की पत्तियां थी उनको लिया, उनके आकार, माप, बनावट के बारे में उनके बारे में चर्चा की। तो इस आधार पर व्यवस्थित समूह व्यवस्थित किया, समूह में व्यवस्थित करने की बात की। तो शिक्षक का क्या एम था, शिक्षक चाहता क्या था? पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, अवलोकन और वर्गीकरण के कौशल में वृद्धि। कहीं ना कहीं अवलोक कर पाइए आप और वर्गीकृत कर पाइए चीजों के बारे में, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि ना जी ना, इससे क्या वृद्धि होगी? उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि, फन एलिमेंट इन हर हिज टीचिंग ना जी ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? अवलोकन और वर्गीकरण की यहां पर कहीं ना कहीं बात की है। वो ऑब्जर्वेशंस करना चाहता है, क्लासिफिकेशन करना चाहता है। अब आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन तो गलत होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट हैज सम एफर्ट सम थिंग्स लाइक ग्रुप्स ऑफ लीप्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लीप्स। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्टीज को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। जब भी व्यवस्थित करने की बात आएगी तो आप उनको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करोगे, तो अवलोकन और वर्गीकरण के कौशलों में वृद्धि की बात सही होगी। सही है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? पर्यावरण के दृष्टिकोण की बात करें, पर्यावरण का दृष्टिकोण है, और पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण
अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है, तो इसकी बात की गई है। शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करना चाहता है, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको वातावरण के साथ कनेक्ट करने की बात की जा रही है। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं इसमें भी वातावरण से जोड़ने की बात की गई है अधिगम को। शिक्षक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, ये दिखाना भी बिल्कुल सही होगा, जिससे राष्ट्रीय तौर पर और अंतरराष्ट्रीय तौर पर बच्चे के अंतर्गत समझ पैदा होगी। शिक्षक औद्योगिकीकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। वन देखिए, औद्योगिकीकरण की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो वहां पर वन उन्मूलन यानी कि वृक्षों को उखाड़ने की बात की जाएगी, और पर्यावरण कभी भी वृक्षों को उखाड़ने की अनुमति नहीं देगा। क्लियर है? तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो आपका ए बी और सी सही हो जाएगा, बाकी के आंसर गलत होंगे, फोर्थ वाला डी गलत हो जाएगा, तो ए बी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर लगाइए। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाकलाप आधारित अधिगम है, यानी कि कैसा है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम है, और इसमें चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, क्रियाकलाप का संपादन, पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना या प्रक्रम पर विचार या चिंतन करना। कहीं ना कहीं अगर मेरे भाई बात की जाती है तो योजना बनाने की बात की जाती है। सबसे पहले कोई भी क्रियाकलाप आधारित अधिगम है और अभ्यास में निहित है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर आप व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले किसी भी समस्या के बारे में योजना बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? योजना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, योजना बनाओगे। तो जो ऑप्शन सी से सही होगा वो सही होगा, तो सेकेंड वाला गलत है क्योंकि ए से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है, इस वजह से ये भी गलत हो गया आपका। क्लियर है मेरे भाई? ठीक, अब सी वाला ऑप्शन फर्स्ट बचता है और थर्ड बचता है। कोई भी योजना है उसका योजना बनाइए और उस योजना को क्रियाकलाप का संपादन करिए। क्या करिए? क्रियाकलाप, जो भी आपका क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है, अब वो एक्टिविटी करिए। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लान बनाओगे, किसी भी प्रकार की समस्या है उसके लिए सबसे पहले प्लान बनाओगे, फिर उसके लिए जो भी प्लान बनाया है उसे एक्टिव करने की कोशिश करोगे, यानी कि एक्टिविटी करने की कोशिश करोगे। क्लियर है? तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, यानी कि सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो सी के बाद ए, सी के बाद ए, यहां भी है। इसके बाद आप क्या करोगे, प्रक्रम पर विचार या चिंतन करोगे, उसके बाद पुनरावृत्ति करोगे, यानी कि आप बनाओगे सी सी ए डी और बी, ऐसे बनाओगे सी ए डी बी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा, सी ए डी बी। सबसे आप पहले प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद आप क्या करोगे, क्रियाकलाप का संपादन करोगे, फिर उसके बाद प्रक्रम पर विचार या चिंतन करोगे, जब वो विचार या चिंतन हो जाएगा तो उसके बाद आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? आपसे पूछा है एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। तो कौन सा सही होगा भाई इसका बताइए? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। क्या करना? अंतर्दृष्टि विकसित करने की बात कहीं ना कहीं की जाएगी। ड्राइंग इंसाइट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। चलिए भाई बताइए, पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए, किसमें पहेली बन सकती है? तो विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना आप भ्रमित नहीं कर सकते,
विद्यार्थियों को खेल खिलाना, इसमें पहेली कहाँ बनेगी? विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं को आनंदित करना, ना जी ना। विद्यार्थियों की तर्क क्षमता विकसित करना, अगर आप तर्क क्षमता विकसित कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पहेली बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, रीजनिंग का इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ठीक है, और इस तरीके से उसमें बांट देते हैं हम। इसमें मान लीजिए दो है तो इसके आगे चार है, इसके आगे पांच है तो इसके आगे छह है, एक है तो यहाँ क्या आएगा, ऐसे करके छोड़ देता है। तो ये आपकी पहेली बना सकता है। तो विद्यार्थियों के तर्क क्षमता विकसित करना, यहां पर आप पहेली बना सकते हो बच्चे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमा के ऊपर है भाई। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्रित करने का नियत कार्य दिया। उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? जो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं हमारे देश के अंतर्गत, उन पर उसने जानकारी एकत्रित करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इसका क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? देश को सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, ना जी ना। हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का रिकॉर्ड बनाया जाए, ना जी ना। विभिन्न त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। हमारे देश की संस्कृति की विविधता, ये वर्ड अच्छा है, विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। तो जो हमारी विविधता है, चाहे आप ईद मनाइए, चाहे आप दीपावली मनाइए, या आप क्रिसमस मनाइए, या आप कोई और जो त्योहार है उसे मनाइए, रक्षाबंधन मनाइए, कुछ भी मनाइए, तो हमारे विषय विविधता के विषय के विद्यार्थियों में संवेदनशील बनाए, सेंसिटिव बनाए, इस चीज की ओर ध्यान देता है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आपसे जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको पढ़ने में टाइम लगता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाकी इसके बारे में हम आपको आंसर कल की वीडियो में देंगे। क्लियर है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह तभी आपको मिल पाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की क्वेश्चंस के संग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।